मेरा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बाजपुर के मंडी समिति सभागार में धान के भुगतान को लेकर किसानों, राइस मिल एसोसिएशन और विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें किसानों ने 10 अप्रैल तक धान का भुगतान करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर आत्महत्या की भी चेतावनी दी। आपको बता दें कि बाजपुर के मंडी समिति सभागार में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के किसान, राइस मिलर्स और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में करीब 6 महीने से किसानों की धान की फसल का भुगतान नहीं होने पर किसानों ने आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही किसानों ने विभागीय अधिकारियों और राइस मिलर्स से 10 अप्रैल तक धान की फसल का भुगतान करने की बात कही और भुगतान न होने पर आत्महत्या की भी चेतावनी दी। बाजपुर से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। इस समय वर्तमान में जो स्थिति मेरे संज्ञान में आई, मैंने उस आधार पर तो केंद्र प्रभारी से जानकारी करी, तो पोर्टल बंद हो जाने के लिए उसने हमें पूर्ण रूप से कहा गया था, जो कि पोर्टल बंद हो गया था। ऐसी स्थिति में जो है धान मिल वालों ने जो खरीदा है उसकी भुगतान हेतु हम आए हुए हैं, उसमें हम लोग आए हुए हैं कि मिल से ही इनका भुगतान करा जाए। ये निजी खरीद में आए हैं मिल वालों की तरफ से, सरकारी रेट पे मिले। मैं आज लास्ट मीटिंग है धान की, इसमें डिप्टी साहब भी आए हुए हैं और इनके अध्यक्ष जी जो राइस मिल के सत्यवान जी वो भी बैठे हैं और पूरी भारतीय किसान यूनियन यहाँ बैठी हुई है। आज फाइनली हो गया कि जो काश्तकारों का धान पोर्टल पे चढ़ने से रह गया उस धान की पेमेंट MSP पे राइस मिलर करेगा और उसकी जो पेमेंट की डेडलाइन है वो लास्ट 10 तारीख होगी। 10 तारीख तक सब मिलों को पेमेंट करनी होगी और कल से स्टार्ट करें पेमेंट। उसके बाद तो हमारे पास मैं अपना वजूद बताऊं तो मेरे से तो यही एक चारा है कि मैं चौराहे में जाके कुछ ना कुछ करूंगा अगर 10 के बाद पेमेंट जाएगी तो। हमारे राइस मिलों का जो धान चावल उगता है सरकार में पूरे उत्तराखंड के अंदर कहीं भी जगह की व्यवस्था नहीं है। जगह की व्यवस्था हो तो हमारा चावल जाए वहाँ पर, उस चावल का हम पेमेंट लेके किसानों को दें। ये बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हमने अधिकारियों को भी बताया है यहाँ पर कि हमें पैसा मिलेगा तो हम किसानों को देंगे। हमने कच्चे आड़ती में किसानों को धान खरीदा है, कुछ लोग रह गए हैं, बाकी लोगों को दे चुके हैं। जो लोग रह गए हैं उनसे टाइम लिया है, थोड़ा बहुत दिनों में जैसे गवर्नमेंट से पेमेंट आ जाएगी वैसे हम किसानों को भुगतान कर देंगे। डिप्टी साहब ने कहा हमसे कि हम तुरंत आपके पेमेंट कराते हैं 10-5 दिन में, ऐसे ही हम किसानों को देना शुरू कर देंगे। इतनी परेशानी है कि हमारा चावल ही भी नहीं उठ रहा। हमारा सरकार के पास अभी आपसे हमें जाके देखो 50 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और जगह कहीं नहीं है पूरे उत्तराखंड के अंदर। सरकार का पैसा इसलिए मरता है कि सरकार धान तो खरीद लेती है, उसको उतारने के लिए सरकार के पास जगह की व्यवस्था नहीं है। गोडाउन खाली पड़ा है या मंडी के अंदर वेयरहाउस खाली पड़ा है, उसमें सरकार लगवाती नहीं हमारा चावल, अधिकारी नहीं लगवा रहे। अधिकारी सरकार तो अधिकारी है हमारी, तो हमें सरकार से मतलब तो अधिकारी जो है वही सरकार है हमारी। हम आदमी को रोज़ कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हमारे जितने राइस मिलर हैं चावल देना चाह रहे हैं, चावल सूख रहा है, उसका मॉइस्चर खत्म हो जा रहा है, आधा धान रह जाएगा सूख सूख के, तो मिलर वैसे मर जाएगा, कहाँ से देगा पैसा सरकार का। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।